हाय एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ आज जयपुर से रणथंभौर। अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर साल जाती हूँ गणेश मंदिर। मेरी सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी, बट मैं 1 घंटे पहले स्टेशन आ गई थी, इसलिए यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था एंड फिक्स 6:30 बजे मेरी ट्रेन आ गई थी। इस बार मैं ट्रेवल कर रही स्लीपर कोच से, क्योंकि 2.5 घंटे की जर्नी थी एंड सुबह सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है, तो सोचा कि चलो स्लीपर कोच से ट्रेवल करती हूँ। ट्रेन एकदम क्लीन थी, आप लोग देख रहे हो, एकदम क्लीन ट्रेन थी। उसके बाद में फाइनली फिक्स 6:30 बजे मेरी ट्रेन है वो निकल पड़ी। मैंने ईयरबड्स लगा लिए क्योंकि मैं अपनी वेब सीरीज डाउनलोड करके लाई थी, तो मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ। आप लोग इन्जॉय करो ये राजस्थान के नज़ारे। फिर 2.5 घंटे के बाद में फाइनली आ गया था सवाई माधोपुर जंक्शन। यहाँ उतरते मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ गया था। उसने बोला कि पहले घर पे चल, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद में तू मंदिर जाना। तो मैं जैसे घर पे पहुँची, मैंने मेरे फ्रेंड की बेटी को जाते ही गोद में ले लिया। बहुत ही क्यूट है। हर साल मैं जाती हूँ, लेकिन मैं घर पे पहली बार गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो भाभी घर पर नहीं थे। फिर भाभी ने बनाया बहुत ही यम्मी सा ब्रेकफास्ट, आप देख रहे हो, आपका भी मन कर रहा होगा खाने का। उसके बाद में मैंने टाइम लैप्स लगा दिया, सोचा कि अच्छे से रिकॉर्ड होगा, बट उस टाइम पे मैंने देखा नहीं। बट फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा गुड़िया को खिलाया, फिर वो नहीं खा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो हम तो हमारे पेट पूजा करते हैं। एंड आप देख रहे हो कितनी क्यूट है यार, इसको नज़र नहीं लग जाए, ये बोल रही मुझे फ़ोन दे दो। उसके बाद में मैं गुड़िया के साथ खेल रही थी, आंटी जी से बातें कर रही थी, खूब सारी भाभी से बातें की, अपने फ्रेंड से बातें की। उसके बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि 10:30 बज गए थे, क्योंकि मैं 9 बजे पहुंची थी। उसके बाद में मैंने अपने फ्रेंड की स्कूटी ली एंड स्कूटी से लेके मैं निकल गई मंदिर के लिए। धूप बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे यहाँ पे एक अलग वाइब्स आती है, क्योंकि मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ और हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ। एंड आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र रहा। एंड यहाँ पे कोई लाइक एंट्री फीस वगैरह नहीं है। अगर आप 2-व्हीलर से जाते हो तो कहीं पे भी रोक के लाइक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, 4-व्हीलर से जाते हो तो नहीं कर पाते हो। एंड इस टाइप से बहुत सारे मंकी थे। नॉर्मली मैं सुबह जाती हूँ मंदिर, तो मुझे इतने लोग नहीं मिलते हैं, बट आज आप देख रहे हो संडे था, इसलिए बहुत लोग दर्शन के लिए आ रखे थे। इस टाइप से आप देख रहे हो पार्किंग काफ़ी लंबी लग रही थी। यहाँ फिर से मुझे बहुत सारे मंकी दिखे, हर बार नहीं दिखते हैं। एंड यहाँ से मैं जा रही हूँ मंदिर, इस टाइप से सीढ़ियाँ होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैंने अपनी जैकेट को इस टाइप से वेस्ट भी बांध लिया था। एंड ये जो आप क्लिप देख रहे हो, ये मंदिर से आने के बाद में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि यार मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो ये मैं ऐसे चलने वाली क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद में मैं मंदिर पहुंची, मैंने आप देख रहे हो इस टाइप से बीच में कुंड आता है, तो मैंने थोड़ी बहुत हाइलाइट्स आप लोगों के लिए शूट की थी। फिर से आप देख रहे हो इतने सारे मंकी थे। एंड इस टाइप से फिर मैंने मंदिर में जाने से पहले प्रसाद लिया। मंदिर में मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, बट फिर भी सोचा कि थोड़ा सी मैं क्लिप रिकॉर्ड करूं एंड आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा दूं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाते हो, बट आप लोग दर्शन कर लो। मैं जब पहुंची, विश्राम आरती चल रही थी, मैं आप लोगों के लिए आरती भी लेके आई हूँ। तो फिर इस टाइप से मैंने दर्शन किए, फिर मैं दर्शन करके वापस आ गई अपने फ्रेंड के घर पर। बट वहाँ पर मैंने ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बहुत एक साल में एक बार मिलना होता है, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लाइक बीच में रुक के टाइम वगैरह मैंने शूट किया था। फिर अपने फ्रेंड के घर आने के बाद में मैंने लंच किया, हमने बहुत सारी बातें की। देन मैं शाम को 5 बजे वापस जयपुर आ गई थी। एंड बीच में मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, एंड आप लोग देख रहे हैं ये मैंने फ़ोटोज़ है आप लोगों के साथ में शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।